जय जगन्नाथ। मु अम्लान नायक। वर्तमान सबुठारु बड़ आउ केवल बच्चा बच्चा ब्रेकिंग न्यूज रा खबर रखिबा निश्चित भिडियोटि को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटि को समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। देरी न करी आरंभ करिबा कोन जय जगन्नाथ नंबर 1 बात्या आसानी आनिबा वर्षा पवन 7.5 लाख लोकन को स्थानांतर पई सरकार को प्रस्तुति। ओडिसा छुईबनी बात्या आसनी प्रभाव रे वर्षा ओ पवन बही पारे। किछि तळिया अंचल जलमग्न होई पारे किंतु बन्यार संभावना नहीं। मुकाबिला पई राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। जिलापाल मानुको आवश्यक पदक्षेप नेबाकु कुहा जाईछि। 18 जिला 862 टी स्थायी बात्या आश्रय स्थली प्रस्तुत रहिछि। आवश्यक हेले 7.5 लाख लोकंकु स्थानांतर करा जीव बोली कहिछंती एसआरसी प्रदीप जेना। गतकाली 12टा सुधा कूळकु फेरी आसीथिला समस्त बोट। एबे 1075 बोट समुद्र रे अछि। ट्वीट करि सूचना देइछंती एसआरसी बात्याकु दृष्टि रे रखी 24 खंटिया कंट्रोल रूम खोलाजिबा सह जिला स्तर रे अफिसर ओ स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर को कार्यालय मध्यरे समन्वय रखिबाकु कहा जाइछि। गतकाली ठारु ओडिसा रा समस्त बंदर पई 1 नंबर विपद संकेत जारी होइछि। नंबर 2 दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे बात्यार रूप नेला गभीर अवपात। संध्या सुधा भीषण बात्या रे परिणत हेबो आसनी। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर रे बात्या आसनी रो रूप नेला गभीर अवपात। 24 घंटा रे भीषण बात्या रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। गत 6 घंटा हेबो एहा 16 किलोमीटर बेगरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि। पुरी ठारु दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे 1030 किलोमीटर ओ विशाखापाटना ठारु दक्षिण पूर्व दिगरे 970 किलोमीटर दूर रे रहिछि। 10 तारीख संध्या रे उत्तर आंध्र प्रदेश एवं ओडिसा निकट समुद्र रे पहुचिबो। एहा परे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे रिकर्व करिवो। बात्या उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे मुहाइबा संभावना रहिछि। स्थल भाग न छुई समुद्र भितरे दुर्बल हो जाय पारे बात्या। तेणु ओडिशा को जो बात्या भय थिला वर्तमान पूर्वानुमान अनुसार से ही भय टली जाइछि। तबे 10 तारिखर ओडिशा उपकूलवर्ती जिले में मध्यम धरणर वर्षा हेबो। किछि जिले में प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। गंजाम गजपति पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर कटक जिलार किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। एही सब जिला को येलो वार्निंग देइछि पानीपाग केन्द्र। सिवियर साइक्लोनिक स्टर्म बा भीषण सामुद्रिक झड़ में परिणत हेबा परे पवनर बेग बढ़िबो। नंबर 3 टीका नेइथिले चतुर्थ लहर रे संक्रमित हेबा आशंका कम। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चतुर्थ लहर रे कोविड संक्रमितों संख्या बढ़िबो मात्र हॉस्पिटलाइजेशन कम रहिबो। एही सूचना देइछंती वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्र। से कहिछंती जेउं भली कहा जाइछि चतुर्थ लहर रे पिला बा किशोरंकु अधिक संक्रमित करिबो नाही। से आहुरी मध्य कहिछंती रायगड़ा रे 64 जन पिला आक्रांत चिन्हट होइछंती किंतु जदि आमे टेस्टिंग बढ़ाइबा तेबे संक्रमितों संख्या मध्यम बढ़िबो। तेणु केवल किशोर की पिला नुहती बरंग सबु पीढ़ी एहा द्वारा संक्रमित हेबे। एहार लक्षण मध्य सामान्य रहिबो। आगकु 3 सप्ताह बा 1 मास मध्यरे संक्रमण शीर्षकु जाई पारे। आउ जदि टीका नेइथिबे तेबे संक्रमित हेबा आशंका मध्य कम रहिबो। नंबर 4 बढ़ी पारे केन्द्र कर्मचारीक महंगा भत्ता। जुलाई रे 3-4% वृद्धि संभावना। देशर 47 लाख केन्द्र सरकारी कर्मचारीक पई भल खबर। आसंता जुलाई मासरु कर्मचारीक महंगा भत्ता रे सरकार वृद्धि घटाई पारंती। एही अनुजाई कर्मचारी माने 3-4% वर्धित महंगा भत्ता पाइबाकु हकदार हेबे। अपर पक्षरे एहार लाभ 68 लाख पेंशनधारीको महंगा आश्वस्ति आकारे मिलिबो। गत मार्च मासरे सर्वभारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकरे 1% वृद्धि होइछि। साधारण भावे जनवरी एवं जुलाई पहिलारे केन्द्र कर्मचारीको महंगा भत्ता बढ़िथाए किंतु शेष थर पई चलित वर्ष मार्च रे केन्द्र सरकार कर्मचारीकर महंगा भत्ता रे वृद्धि घटाइथिले। एही अनुजाई महंगा भत्ता को 31-34% को वृद्धि करा जाइथिला। नुआ हार 2022 जनवरी ठारु पिछिला भाबे लागू करा जाइछि। एही संपर्क रे AIDF रो महासचिव श्री सुकुमार को कहिबा अनुजाई केन्द्र सरकार को महंगा भत्ता प्रदान रे विलंब न करिबा उचित। एठारे सूचना योग्य जे कोविड महामारी समय रे केन्द्र सरकार केन्द्र कर्मचारी एवं पेंशनधारीक डीए ओ डीआर वृद्धि उपरे रोक लगाइथिले। कर्मचारीक 11% डीए अटकाई सरकार से समय 40,000 crore टंका बंचाई पारिथिले। तेबे एथरो सरकार जुलाई रे महंगा भत्ता रे 3-4% वृद्धि करिबाकु बाध्य होइ पारंती। नंबर 5 मैट्रिक परीक्षा शेष। आसंता 21 तारिखरु 53 केन्द्र रे खात्या मूल्यायन। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक परीक्षा शनिवार दिन शेष होइछि। एप्रिल 29 तारिखरु परीक्षा आरंभ होइथिला। अन्यपटे आसंता 10 तारिखरे मध्यमा ओ राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा सरिबो। मैट्रिक परीक्षा रे शेष दिन रे सामाजिक विज्ञान परीक्षा रहिथिला। एही परीक्षा रे असद उपाय अवलंबन करी 46 जन परीक्षार्थी स्क्वाड हातरे धरा पड़ी माल प्राटिक्स होइछंती। नंबर 6 यानी कि जेई नेट परीक्षा रे लागू हेबो CUET। केंद्रीय विश्वविद्यालय गुड़ी करे कॉलेज रे नाम लेखाइबा पई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट व्यवस्था आरंभ करा जाइथिला। तेबे
CUET खूब शीघ्र नीट ओ जेई परि परीक्षा क्षेत्र में लागू हो पारे बोली विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति। पूर्वरु 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय 30 रु अधिक राज्य ओ घरै विश्वविद्यालय रे CUET कार्य करूछि। नुआ शिक्षा नीति रे CUET को एक गुरुत्वपूर्ण स्थान दिया जायथिबा सह विभिन्न स्तर रे नुआ नुआ पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। निकट रे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन पक्षरु पश्चिमबंग तमिलनाडु ओ केरल परि राज्यर विश्वविद्यालय रे CUET लागू नै आलोचना होइथिला। तेबे उक्त आलोचना सकारात्मक रहितबा यूजीसी पक्षरु कहा जायछि। नंबर 7 राष्ट्रपति पद पई खूब शीघ्र प्रार्थी को नाम घोषणा करिवो बीजेपी। राष्ट्रपति पद पई खूब शीघ्र निज प्रार्थी को नाम घोषणा करिवो बीजेपी। सूचना रहिछि कि चलित थर बीजेपी ओबीसी किंबा महिलांकु प्रार्थी भाबे घोषणा करि पारे। देशरे ओबीसी एवं महिला मानकर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करिछि। 2024 विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रे रखि दल प्रार्थी को नाम घोषणा करिवो। ओबीसी देशर मोट जनसंख्यार 40% रु अधिक थिबा बेले महिला माने भारतर जनसंख्यार प्राय अर्धेक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अनेक थर कहिछन्ति कि महिला हेउछन्ति बीजेपीर नुआ वोट बैंक। वर्तमान राष्ट्रपति थिबा रामनाथ कोविंद एससी संप्रदायर होइथिबारु चलित थर एससी संप्रदायर जणे नेताकु सुजोग देबार संभावना बहुत कम रहिछि। चलित थर ओबीसी एवं महिला मानक मधुरु जणे राष्ट्रपति हेबा नै चर्चा जोर धरिछि। तबे वर्तमानर छत्तीसगढ़र राज्यपाल अनुसुया उइकी तमिलनाडुर राज्यपाल साई सुंदर राजन एवं केरलर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एही दौड़रे रहिछन्ति। नंबर 8 भारतरे पूंजीनिवेश करिबाकु एलन मस्क को आह्वान जणाइले सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सीईओ अदर पुलवाना। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सीईओ अदर पुलवाना ट्वीट रे नूतन मालिक एलन मस्क को भारत रे पूंजी विनियोग करिबाकु अपील करिछन्ति। से ट्वीट करि कहिछन्ति एलन मस्क जदि आपण ट्विटर किनिबाकु चाहु नाहंति तबे सही पूंजीर किछि अंशकु भारत रे विनियोग करंतु एवं एठारे उच्च मानर टेस्ला कार निर्माण करंतु। एहा मध्य कहिछति जे एहा आपणकर सर्वोत्तम निवेश हेबो। से कहिछति मु आपणकु निर्भर प्रतिश्रुति देउछि जे एहा तुमर सर्वश्रेष्ठ पूंजी निवेश हेबो। मिलिथिबा सूचना मुताबक अमेरिकार सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन को प्रदान करा जायथिबा सूचना अनुजाई सेक्वा कैपिटल पार्टी ट्विटर अधिग्रहण चुक्ति रे $800 मिलियन एवं वाई कैपिटल $700 मिलियन निवेश पई राजी होईची। तबे $1 बिलियन विनियोग करिबाकु ओरकेल सह प्रतिष्ठाता एलिसन राजी होईछंती। नंबर 9 15 रो पूरी हेलमेट जांच। आसंता 15 तारीख रो राज्यर समस्त जातीय राजपथ ओ राज्य राजपथ रे हेलमेट जांच करा जिवो। एही अभियान आसंता 21 तारीख पर्यंत चलिवो। राज्य सरकारक सड़क परिवहन आयुक्तक पक्षरु एने निर्देशनामा जारी होईची। हेलमेट रे यात्रा करूथिले चालान कटा जिवो सह बाइक चालकक लाइसेंस 3 मास पई बातिल करि दिया जिवो। सहीबळी नाबालक गाडी चालक ओ बाइक रे 3 जण बसिथिले तांको उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। नंबर 10 ग्रेजुएशन पास पिलांक पई इंटर्नशिप करबा सुजोग मासक मिलिबो $10,000। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पक्षरु AICT टुली फाइनेंस इंटर्नशिप 2022 घोषणा करा जायछि। स्नातक पास छात्र छात्री एही इंटर्नशिप पई आवेदन करि पारिबे। एही इंटर्नशिप रे कंपनी फाइनेंस स्कीम फंड व्यवहार फाइनेंस रिपोर्ट प्रस्तुति ओ ऑडिट विषय रे पिलांकु ट्रेनिंग प्रदान करा जिवो। एही AICT टुली फाइनेंस इंटर्नशिप 2022 पई योग्य विवेचित प्रार्थी चेन्नई ठारे कार्य करिवे। एही इंटर्नशिप प्रोग्राम 6 मास चलिबो। एथिपाई छात्र छात्री को मासिक $10,000 स्टाइपेंड आकार रे मिलिबो। टुलिप गाइडलाइन अनुसार इंटर्नशिप परिचालित हेबो। AICT टुलिप फाइनेंस इंटर्नशिप 2022 पई आवेदन करबाकु शेष तारीख रहिछि चलित मास 31 तारीख अर्थात मे 31 2022। प्रार्थी को एही इंटर्नशिप पई ऑनलाइन रे आवेदन करबाकु पडिबो। कलारे स्नातक पास करथिबा छात्र छात्री एही इंटर्नशिप पई आवेदन करि पारिबे। एथिपाई योग्यता सह प्रार्थी को इच्छा थिबा जरूरी।